कोविड-19 संकट में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड करेगी। इस बाबत BDL और IIT कानपुर की इनक्यूबेट स्टार्टअप नोका रोबोटिक्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। IIT द्वारा डिजाइन किया गया ये वेंटिलेटर काफी सस्ता और बेहतर सेवा देने वाला उपकरण है। खास बात यह है कि इस वेंटिलेटर को फ्रंट लाइन पर कोविड-19 से लड़ रहे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। अब प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन का बीड़ा उठाए जाने के बाद इस महामारी के दौरान स्वदेशी तकनीक से तैयार बेहतर वेंटिलेटर जल्द उपलब्ध होने की संभावना बन गई है। एक समझौता हम लोगों ने किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, नोका रोबोटिक्स और IIT कानपुर के बीच में, जिसके तहत BDL जो है इन वेंटिलेटर्स का निर्माण करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हुए हमारे देश के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की आवश्यकता रहेगी, और हमें बड़ी खुशी है कि हमने यह वेंटिलेटर मेक इन इंडिया के तहत पूरा यहाँ पर ही विकसित किया है, और हम एक 1.5 महीने के छोटे अंतराल में एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को बनाने में सफल रहे हैं। आशा है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका निर्माण अभी शीघ्र ही करने लगेगा, और मई के अंत तक हम बड़ी मात्रा में वेंटिलेटर्स सप्लाई करने में सक्षम रहेंगे।